राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन नीमच में कांग्रेस जनों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बनी योजनाओं के बारे में विचार विमर्श हुआ। बैठक में तय किया गया कि जावद और मुनासा विधानसभा से 17 तारीख को पैदल यात्रा प्रारंभ होकर शाम तक नीमच पहुंचेंगे। यहां पर विश्राम के बाद अगले दिन 18 तारीख को जावद नीमच और विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस जन नीमच शहर में घूमते हुए मल्हारगढ़ के लिए रवाना होंगे। 18 तारीख को ये यात्रा मंदसौर जिले की यात्रा में विलय हो जाएगी और वहां से अगले जिलों के लिए रवाना हो जाएगी। ये यात्रा एक के बाद एक दूसरे जिले से होती हुई उज्जैन पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संभवतः 20 तारीख को बुरहानपुर पहुंच रही है। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजित कांठेड़, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक तरुण बाहेती, मुकेश कालरा, बापू सलीम, अनिल चौरसिया और वरिष्ठ कांग्रेसी तथा तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीमच जिले में 18 तारीख को सवेरे पहले जावद विधानसभा क्षेत्र से जावद से एक यात्रा आएगी सवेरे, सुआखेड़ा, डुंगलावदा, कनावटी होते हुए वो गांधी भवन आएगी। इसी तरीके से मनासा से भी सवेरे एक यात्रा आएगी जो रेवली देवली सामन इधर से होते हुए जावद नीमच आएगी, और नीमच में गांधी भवन में ये दोनों यात्राएं मिल जाएगी, और नीमच में सारे नीमच के लोग शामिल होकर के पूरे नीमच शहर के अंतर्गत जो है पदयात्रा निकालते हुए मंदसौर की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैंने हमको जो है हमारी पदयात्रा को मनासा, जावद और नीमच तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लेकर के हमको चलदू मैंने नीमच जिले की जो बॉर्डर है वहाँ तक ले जाकर हमको सौंपना है। उसके बाद हम इनको मल्हारगढ़ ले जाकर छोड़ देंगे। मल्हारगढ़ में मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं वो आ जाएंगे और वो इसको शामिल करें आगे ले जाएंगे उसको। फिलहाल उज्जैन के लिए अलग से व्यवस्था है, जिन लोगों को उज्जैन तक जाना है वो इसी यात्रा में उज्जैन तक चले जाएंगे, है ना। और जो लोग मान लो जो केवल नीमच में आए तो नीमच में शामिल हो जाए, कोई आदमी जावद से नीमच तक चाहे तो नीमच तक शामिल हो जाए। अब ये जैसी अनुकूलता लगेगी, हमने उज्जैन के लिए भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि जिनको उज्जैन तक जाना है वो उज्जैन तक जाए और जिनको पार्टली शामिल होना है वो पार्टली शामिल हो जाए। 18 तारीख को हम 12 बजे यहाँ नीमच शहर में निकलेंगे और करीब 2-2.5 घंटे हमको शहर में लगेंगे और शाम के लिए हम मंदसौर के लिए प्रस्थान करते हैं। आज के लिए बैठक यही तय किया है कि सारे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे यहाँ मौजूद हैं और सबने मिलकर क्या है कि जिस उद्देश्य से राहुल गांधी इस देश में पदयात्रा निकाल रहे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम भी उसमें सक्रिय भागीदारी अपनी निभाएं। देश में नफरत और घृणा का जो भाव है वो समाप्त हो, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, रोजगार के अवसर बढ़े और राजनीति में जो कुछ विकृतियां आ गई है उनको हम दूर करने के लिए जन जागरण के रूप में इस यात्रा को ले रहे हैं और उसी आधार पर हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन रोशन की रिपोर्ट।